देश के कई राज्यों में बारिश का कहर, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बाढ़, बारिश का तांडव, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज हो सकती है भारी बारिश, गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। ठाणे, सतारा, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, जालना, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में दो दिन से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गोदावरी नदी में उफान, गोदावरी के आसपास इलाकों में पानी भरा, भारी बारिश का अलर्ट प्रशासन ने जारी किया। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश, जवाहर क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार हो रही है बारिश, 8 गांव का संपर्क टूट चुका है, बारिश के कारण सारी नदियों में भयानक उफान है। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। अहमदाबाद, सूरत, नवसारी में रिहायशी इलाके बाढ़ में डूबे, अंबिका और पूर्णा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ में मधुबन बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, वलसाड़ में भारतीय कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से 16 फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया, अंबिका नदी के किनारे फंसे थे। वलसाड़ में 3 दिन से लगातार हो रही है भारी बारिश। गुजरात के डांग में पहाड़ से गिरा मलबा, भारी बारिश की वजह से सपुतारा वगई मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, कई रास्ते बंद हो चुके हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में बारिश से तबाही, बारिश की वजह से छिंदवाड़ा नागपुर नेशनल हाईवे पर पानी ऊपर से बह रहा है, छिंदवाड़ा नागपुर का संपर्क टूटा, हजारों लोग इस रास्ते से सफर करते हैं। एमपी के रायसेन में तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, बारना डैम के 6 गेट खोले गए, भोपाल जबलपुर को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब गया, 24 घंटे के लिए रायसेन में रेड अलर्ट जारी। एमपी के होशंगाबाद में ओल नदी में पुल से बह गया युवक, बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, युवक ने तैरकर बचाई अपनी जान। एमपी के होशंगाबाद में बारिश बनी आफत, नाले में बह गया एक मासूम, भारी बारिश के कारण नाले में तेज बहाव की चपेट में आया मासूम, बच्चे का रेस्क्यू जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शाहपुर इलाके में चंबी नदी में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उफान में फंसा, गांव वालों ने युवक को रस्सी के सहारे बचाया, नदी में अचानक आया था तेज उफान। असम के बजाली जिले में पानी कम होने के बाद दिखा तबाही का मंजर, बजाली के मेधुकूची गांव में 16 जून को नदी का पानी बढ़ने से नदी का बांध टूट गया, जिसके कारण गांव बाढ़ की चपेट में आ गया, 25 से 30 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। ओडिशा के गंजम में बाढ़ से घिरे लोगों की मजबूरी आई सामने, जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं, गांव वालों के मुताबिक कई बार कर चुके हैं पुल की मांग। दक्षिण भारत में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, 16 एनडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है, तेलंगाना में 7 टीम, कर्नाटक में 5 टीम, आंध्र में 4 भेजी गई, वहीं 2 टीमों को रिजर्व रखा गया है। बालटाल के रास्ते आज शुरू हो सकती है अमरनाथ की यात्रा, कल पहलगाम से शुरू हुई थी यात्रा, 5000 यात्रियों का जत्था हुआ था रवाना, अमरनाथ हादसे में अभी भी 41 लोग लापता हैं, 17 शव मिल चुके हैं। अमरनाथ दर्शन के लिए एक नया ट्रैक बनाया जा रहा है, आर्मी ये ट्रैक बना रही है, अमरनाथ में बादल फटने से ट्रैक पूरी तरह बह गया था। यूपी के हमीरपुर में रहने वाले मां और बेटे की अमरनाथ में बादल फटने से मौत हो गई, सूचना के बाद परिवार ने मातम पसरा, मृतकों के परिवार के 11 लोग हादसे में किसी तरह से बचकर आ गए हैं, लेकिन उनमें अभी भी खौफ है। प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड और पटना दौरा, देवघर में 16000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, पीएम के स्वागत में लोगों ने जलाए हजारों दिए। देवघर में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट और एम्स का करेंगे उद्घाटन, टाटा रांची NH-33 पर स्टील स्लैग से बनी देश की पहली सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी देवघर में रोड शो भी करेंगे, एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक होगा रोड शो, मंदिर के दर्शन भी करेंगे मोदी।
प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करेंगे। जेडीयू और आरजेडी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। तेज प्रताप की ट्वीट से आरजेडी में फिर मची खलबली। ट्वीट पर कहा, पापा को परिवार की और जनता की जरूरत है, ना कि चापलूसों की। पापा की चापलूसी करने वालों को पार्टी से बाहर करेंगे। लालू यादव की सेहत में पहले से काफी सुधार हुआ है। शिवसेना में फिर घमासान। उद्धव की बुलाई बैठक में ज्यादातर सांसदों ने कहा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। संजय राउत यशवंत सिन्हा का समर्थन करने पर अड़े। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर विपक्षी दलों की आज बैठक हो सकती है। शरद पवार के घर बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। गोवा में सियासी ड्रामा जारी। कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर का दावा, 7 विधायक साथ। आज विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा। मुकुल वासनिक पहुंचे पणजी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर चुका है कोर्ट। राज्य सरकार ने मानसून का हवाला देते हुए चुनाव में असमर्थता जताई थी। आज खान एवं खनिज पर 6वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। खान मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक सप्ताह समारोह के तहत मनाया जा रहा है। अब जनसंख्या नियंत्रण पर घमासान। सीएम योगी ने कहा जनसंख्या असंतुलन से आती है अराजकता। ओबीसी का हमला जनसंख्या की नहीं, रोजगार की चिंता करे सरकार। 91वें श्रृंगार गौरी मामले में राकेश सिंह बनाम सरकार वाले केस में आज सुनवाई। जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। कोर्ट इस मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई कर रहा है, यानी मामला कोर्ट में चलने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी जाएंगी। ऑल न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को हुई थी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। सीतापुर में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। आज औद्योगिक उत्पादन और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर महंगाई की वजह से काफी दबाव है। एनटीपीसी अपनी सब्सिडरी कंपनी ग्रीन आर्म में बेच सकती है हिस्सेदारी। कंपनी ने 8 जुलाई को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के जरिए किया है ऐलान। इसके जरिए कंपनी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन की दरें बढ़ाई। आज से लागू होगी नई दरें। जिन लोगों ने पहले से लोन लिया है उनकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। शेयर बाजार में हफ्ते का पहला दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 86 अंकों के साथ और निफ्टी 4 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। आरबीआई का बड़ा फैसला, अब इंटरनेशनल ट्रेड का लेन देन रुपए में होने के भी विकल्प रहेगा। आरबीआई ने भारतीय रुपए में इनवॉइसिंग, पेमेंट और आयात या निर्यात के निपटाने के लिए भी सिस्टम बनाने को कहा है। और अब खबरें विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन को 5 सितंबर को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। विवादों में आने के बाद बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। नया पीएम चुने जाने तक जॉनसन पीएम बने रहेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक समेत 11 नाम अगले पीएम की रेस में है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। विवादों में आने के बाद बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल बोरिस कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अब जो जानकारी मिल रही है 5 सितंबर को ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। विवाद में आ गए थे बोरिस जॉनसन, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। नया पीएम चुने जाने तक बोरिस जॉनसन कार्यकारी पीएम बने रहेंगे और भारतीय मूल के ऋषि सुनक समेत 11 नाम अगले पीएम की रेस में। और अब एक नजर कुछ और फटाफट खबरों पर डाल लेते हैं। फिर से लौट आया है जोकर वायरस। गूगल ने बैन कर दिए 4 ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐप्स में जोकर मैलवेयर में पाया गया। इसको लेकर कहा गया है कि इन ऐप्स को 1,00,000 से ज्यादा बार इंस्टॉल किया गया। चाइनीज कंपनी ओप्पो और वन प्लस को बड़ा झटका। अब ओप्पो पर वन प्लस जर्मनी ने अपनी डिवाइस नहीं बेच सकेंगे।
नोकिया ने 2021 में ओप्पो के खिलाफ एशिया और यूरोप के कई देशों में पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का केस किया था। 14 जुलाई को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M13 5G फोन। फोन की कीमत 15,000 की रेंज में रखी गई है। ट्रिपल रियर कैमरा और पावरफुल बैटरी सेटअप दिया गया है। फिल्म तेहरान की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में जॉन अब्राहम है। फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ जारी। दमदार लुक में नजर आ रही है जॉन। अगले साल 26 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म तेहरान। शहर अंग्रेजी लगे हैं। आपको पता होगा वो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।